बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से शुक्रवार को 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया गया। इसके साथ ही मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में राज्य स्तर पर टॉप 10 पोजीशन हासिल करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए जाने की भी घोषणा की गई। इसके तहत मैट्रिक वार्षिक परीक्षा 2023 में राज्य स्तर पर प्रथम 10 स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अलग अलग पुरस्कार की घोषणा की गई। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 1,00,000 रुपए के साथ एक लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र के साथ ई बुक रीडर प्रदान किया जाएगा। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 75,000 रुपए के साथ एक लैपटॉप, मेडल, प्रशस्ति पत्र और ई बुक रीडर मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 50,000 रुपए के अलावा एक लैपटॉप, मेडल, प्रशस्ति पत्र और ई बुक रीडर मिलेगा। जबकि चौथे से दसवां स्थान प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को 10,000 रुपए के अलावा एक लैपटॉप, मेडल और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता बढ़ी है। समिति की उपलब्धियों से प्रभावित होकर पड़ोसी देश नेपाल के अलावा विभिन्न राज्यों की बोर्ड से भी सुझाव प्राप्त किया गया। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से हर साल 10वीं मैट्रिक परीक्षा में सफल होने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाता है। पुरस्कार मिलने से छात्र छात्राओं में काफी खुशी है। BSEB की ओर से बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट और टॉपर्स की सूची biharboardonline.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया। BSEB कक्षा 10वीं के परिणामों की मेरिट सूची में शीर्ष 5 पायदान पर 21 विद्यार्थियों ने जगह बनाई। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट में टॉप 90 में 33 लड़कियां हैं, लेकिन फिर भी ऑल ओवर रिजल्ट में लड़कियां ही आगे रहीं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।